हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डी यू हेल्प में। एम डी यू की तरफ से बी एड, एम एड, बी एड स्पेशल एजुकेशन और एम एड स्पेशल एजुकेशन की सेकंड काउंसलिंग की राउंड फर्स्ट की लिस्ट जारी की गई। उस लिस्ट के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एम डी यू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग नोटिस के सेक्शन में हम आ चुके हैं। सुबह तक आपकी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहली जो लिस्ट है बीएड आर्ट एंड कॉमर्स के जो स्टूडेंट, आपकी सेकंड काउंसलिंग की राउंड फर्स्ट की लिस्ट आ चुकी है। कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। कब तक आपको रिपोर्टिंग करनी है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद जो आपकी सेकेंड जो लिस्ट है बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट है, आपकी भी सेकेंड काउंसलिंग की राउंड फर्स्ट की लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद बीएड साइंस आर्ट्स विद मैथ्स के दो स्टूडेंट, आपकी भी सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट आ चुकी है राउंड फर्स्ट की। इसके बाद एमएड स्पेशल एजुकेशन के और एमएड नॉर्मल के जो स्टूडेंट हैं, आपकी कॉलेज अलॉटमेंट की जो है सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है आ चुकी है। पांचों की पांचों लिस्ट, सभी लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। एक लिस्ट मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। बीएड के जो स्टूडेंट है साइंस एंड आर्ट्स विद मैथ्स के जो स्टूडेंट, आपकी ये लिस्ट रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी से ही आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेम से भी सर्च कर सकते हैं इस लिस्ट में नाम। उसके बाद आपको अपना फादर नेम चेक करना है। इंस्टीट्यूट आईडी आप चेक कर सकते हैं। कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन से कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या फिर प्राइवेट कॉलेज मिला है। इसके बाद कोर्स नेम आप चेक कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपका रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर यहाँ पर कोर्स नेम में गवर्नमेंट स्लैश एडिड लिखा रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर यहाँ पर एसएफएस लिखा रहा है तो मतलब आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट भी है और प्राइवेट सीट भी है। अगर आपको लगता है कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपको सिर्फ कॉलेज नाम आपने देख लिया और आगे आपने कोर्स नेम में नहीं देखा, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट स्लैश एडिड लिखा रहा है मतलब आपका गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। अगर आपके कॉलेज के नाम के सामने एसएफएस लिखा रहा है तो मतलब आपका जो प्राइवेट जो सीट है उस पर आपका एडमिशन हुआ है, आपकी जो फीस है वो ज़्यादा लगेगी। अगर आपका गवर्नमेंट एडिड सीट पर एडमिशन हुआ है तो आपकी फ़ीस कम लगेगी। एसएफएस जहाँ भी लिखा है मतलब आपका प्राइवेट सीट पर, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आप कैटेगरी नेम चेक कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्कोर आप चेक कर सकते हैं, कितने नंबर आपकी जो है मेरिट लिस्ट गई है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कब तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, 28 तारीख तक। 26 तारीख को ये लिस्ट आई है, 28 तारीख तक आप कॉलेज में पर्सनल रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बीएड और एमएड के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और जिनका सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आया है, आप अपना जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा कर अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी सेकंड काउंसलिंग का जो राउंड सेकंड की जो लिस्ट है वो कब आएगी, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी कोर्स की, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।